हेलो स्टूडेंट, इट इज क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 9। इट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ए मूविंग थिंग वांट्स टू बी इन मूविंग कंडीशन एंड अ थिंग व्हिच इज इन रेस्ट वांट्स टू स्टे इन रेस्ट। यानी के जो कोई वस्तु स्थिर है वह स्थिर ही रहना चाहती है और जो गतिमान है वह गति करते रहना चाहती है। दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। इस गुण को इनर्शिया या जड़त्व का गुण कहते हैं। दिस इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। वी हैव रीड अबाउट इट इन लास्ट वीडियो। टुडे इनर्शिया एंड मास। इनर्शिया एंड मास आर क्लोजली रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर गोइंग इन ए बस एंड वी आर सिटिंग इन ए बस एंड सडनली द मूविंग बस स्टॉप्स, देन आवर लोअर बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट ऑफ द बस दैट रिमेन्स स्टॉप, बट अवर अपर बॉडी इज नॉट विद द कॉन्टैक्ट ऑफ द बस, दैट्स वाई इट बेंड्स टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब हम चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगने से हमारा नीचे का शरीर का भाग को रुक जाता है क्योंकि वो बस के कॉन्टैक्ट में है, और ऊपर का भाग कॉन्टैक्ट में ना होने के कारण हम आगे को गिर जाते हैं। आवर अपर पोर्शन वांट्स टू बी मूविंग। हमारा शरीर का ऊपर का भाग चलते रहना चाहता है, गतिमान रहना चाहता है। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया। इन द अपोजिट एग्जाम्पल, व्हेन वी आर स्टैंडिंग इन ए बस एंड अ बस सडनली स्टार्ट्स, देन इट गिव अस अ पुश बैक साइड। जब हम एक खड़ी हुई बस में खड़े हैं, हमको सीट नहीं मिली है और अचानक ड्राइवर बस चला देता है, तब हम झटके से पीछे की ओर गिरते हैं क्योंकि हमारा शरीर स्थिर रहना चाहता है। हमारा नीचे का भाग तो बस के कॉन्टैक्ट में आने के कारण स्थिर हो जाता है, लेकिन ऊपर का भाग स्थिर नहीं हो पाता, वह पीछे ही रहना चाहता है, इसलिए हम पीछे की ओर गिर जाते हैं। नाउ व्हाट इज द रिलेशन ऑफ इनर्शिया एंड मास? डज ऑल बॉडीज हैव द सेम इनर्शिया? क्या सभी में समान इनर्शिया होता है? इफ वी हैव वन एम्प्टी बॉक्स एंड वन बॉक्स फुल ऑफ बुक्स। हमारे पास दो बक्से हैं, एक खाली है और दूसरा बुक्स से भरा हुआ है, किताबों से भरा है। इफ वी पुश द एम्प्टी बॉक्स वी हैव टू पुश इट विद वेरी लो फोर्स। हमें इसे थोड़े से बल से धकेलना पड़ता है। बट व्हेन वी आर पुशिंग द हैवी बॉक्स फुल बॉक्स, देन वी हैव टू पे मोर फोर्स। तब हमें और अधिक बल लगाना पड़ता है। इनफैक्ट इट इज ईजियर टू पुश ए एम्प्टी बॉक्स विच इज लाइटर इन वेट। इन ए सिमिलर वे, इफ वी किक ए फुटबॉल वी कैन थ्रो इट अ लॉन्ग डिस्टेंस। यदि हम फुटबॉल को ठोकर मारें तो लंबी दूरी तक जा सकती है। बट इफ वी किक द स्टोन ऑफ सेम साइज, देन इट डज नॉट गो वेरी फार और वी मे हर्ट आवर फीट। यदि हम अपने पैर से
उसी नाप के उसी साइज के एक पत्थर को ठोकर मारेंगे तो यह दूर नहीं जाएगा बल्कि हमारे पैर में ही चोट लग जाएगी। ए फोर्स दैट इज जस्ट एनफ टू कॉज स्मॉल वेलोसिटी विल प्रोड्यूस ए नेगलिजिबल चेंज इन द मोशन। जो फोर्स बहुत थोड़ा होता है कि जिससे कि कोई चेंज ना हो तो उससे कोई परिवर्तन नहीं होता। इन कंपैरिजन ऑफ द क्वांटिटेटिवली द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास। किसी वस्तु का जो इनर्शिया है वो उसके मास से उसके भार से मेजर किया जाता है। वी मे डज रिलेट इनर्शिया एंड मास एज फॉलोज। इसलिए हम इनर्शिया और मास को इस तरह से कंबाइन कर सकते हैं। इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ रेस्ट। इनर्शिया वह प्राकृतिक गुण है जिससे कि कोई भी वस्तु अपनी स्थिति को बदलने का विरोध करता है। इफ इट इज इन ए रेस्ट इट वांट्स टू बी इन रेस्ट एंड इफ इन ए मूविंग कंडीशन देन इट वांट टू बी मूव। बट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। लेकिन इसका द्रव्यमान इसके इनर्शिया को बढ़ाता है। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट दैट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स वेलोसिटी एंड द ऑब्जेक्ट्स गेट एन एक्सेलरेशन। इसकी गति को बढ़ाते हैं और इसमें त्वरण बढ़ता है। ड्यूरिंग द गेम ऑफ टेबल टेनिस इफ द बॉल हिट्स ए प्लेयर इट डज नॉट हर्ट हिम। जैसे टेनिस के खेल में यदि गेंद खिलाड़ी को लगती है तो ये कोई हर्ट नहीं करती। बट व्हेन वी आर प्लेइंग क्रिकेट एंड अ क्रिकेट बॉल हिट्स ए प्लेयर और ए स्पेक्टेटर देन इट मे हर्ट हिम। यदि क्रिकेट का खेल हो रहा है और गेंद किसी खिलाड़ी को या दर्शक को लगती है तो ये उसे चोट पहुंचा सकती है। अ ट्रक एट रेस्ट डज नॉट रिक्वायर एनी अटेंशन व्हेन पार्क्ड अलोंग ए रोड साइड। जब ट्रक स्थिर खड़ा है तो इसकी तरफ कोई दिक्कत नहीं है इसके ध्यान देने की। बट अ मूविंग ट्रक इवन एट स्पीड्स एज लो एज 5 मीटर पर सेकेंड इट मे किल ए पर्सन स्टैंडिंग इन इट्स पाथ। लेकिन यदि ट्रक चल रहा है 5 मीटर प्रति सेकेंड यानी बहुत धीमी गति से भी चल रहा है तब भी यह टक्कर मारकर किसी व्यक्ति को मार सकता है चोट पहुंचा सकता है। इन ए सिमिलर वे अ बुलेट मे किल अ पर्सन व्हेन फायर्ड फ्रॉम ए गन। इसी तरह एक छोटी सी बुलेट भी व्यक्ति को मार सकती है। These observations suggest that the impact produced by the object depend on their mass and velocity. इसका मतलब है कि किसी वस्तु का जो प्रभाव है वह उसके मास m and velocity v उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। That is called p और मोमेंटम। मोमेंटम ऑफ अ थिंग रिलेटेड टू इट्स मास एंड वेलोसिटी इसके मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। मोमेंटम हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। इट्स डायरेक्शन इज द सेम एज द वेलोसिटी। मोमेंटम में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। इसकी दिशा वेग की दिशा ही होती है।
द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सिंस द एप्लीकेशन ऑफ एन अनबैलेंस फोर्स ब्रिंग ए चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इट देयरफॉर क्लियर दैट ए फोर्स आल्सो प्रोड्यूसेस ए चेंज ऑफ मोमेंटम। क्योंकि कोई बल लगाने से वस्तु के गति में परिवर्तन आता है, इसलिए इसका मतलब है कि उसके मोमेंटम में भी चेंज आएगा। सो द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑन एन ऑब्जेक्ट प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसलिए जो लगने वाला बल है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा मोमेंटम चेंज होगा। ओके, रीड दिस चैप्टर केयरफुली, लेटर ऑन वी विल डिस्कस ऑन द सेम थिंग। ओके स्टूडेंट, टेक योर स्टडीज, कंप्लीट योर वर्क एंड कम इन स्कूल कैंपस फॉर चेकिंग। स्कूल में आके अपना वर्क चेक कराते रहिए सभी सब्जेक्ट का। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।